आज के आधुनिक युग में जहां फेसबुक और सोशल मीडिया का जमाना है, प्रत्येक युवा के हाथ में मोबाइल लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसकी प्रतिभा केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है, लेकिन आज भी कुछ युवा हैं जिनके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि पेंटिंग ब्रश है। उनके इन्हीं जादुई ब्रशों से उनकी कल्पनाएं जब चित्र बनाती हैं, तो उनकी ये कलाकारी बिल्कुल संजीव लगती है। यही कारण है कि इन युवा कलाकारों की चित्रकला जिसने भी देखी, वे उनका मुरीद हो गया और उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। आपको भी इन चित्रकारों से मिलाते हैं जिन्हें भाषा विभाग द्वारा उनकी कला को प्रोत्साहित करने के लिए सोलन के माल रोड पर स्थित भवन पर चित्रकारी करने का मौका दिया है। ये सभी कला क्षेत्र में पारंगत है, बल्कि उनकी शिक्षा भी कला क्षेत्र में हुई है और मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं, तो कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इन युवाओं ने अपने शौक में ही अपना भविष्य तलाशा और आज निजी और सरकारी उपक्रमों में अपनी फ्रीलांस सेवाएं दे रहे हैं। चित्रकार युवक युवतियों ने बताया कि उन्हें चित्रकला का बेहद शौक था, इसलिए उन्होंने कला क्षेत्र में ही अपनी शिक्षा पूरी की और उसी कला के कारण उन्हें आज पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि वे इससे पहले भी निजी और सरकारी उपक्रमों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन इस बार भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें दिया गया है, जिसमें वे सोलन के माल रोड पर सोलन के विभिन्न रमणीक और ऐतिहासिक स्थलों की पेंटिंग भवन की दीवारों पर उकेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी युवा मिलकर ये कार्य करीबन 10 दिनों में पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस प्रोजेक्ट से बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि चित्रों के माध्यम से तिब्बतियन बोनेस्ट्री, रेलवे स्टेशन, शूलनी मंदिर, ठोडा नृत्य, सोलन के खेत और हिमाचली संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। ये एक्चुअली ये जो काम हो रहा है ये भाषा विभाग के अंदर हो रहा है। और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो हम लोग डिग्री कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में अभी भी पढ़ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस हमारा 4-5 साल का है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और पहला एक्सपीरियंस है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट हमने काफ़ी किए हैं, जैसे प्राइवेट होते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट, पर ये हमारा सबसे बड़ा और पहला प्रोजेक्ट है जो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। गर्ल्स स्कूल में भी हमने काम किया था, पर ये उससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। सो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। 10 दिन हो गए हैं ये काम करते हुए। शुरू के कुछ दिन हमारी इनकी प्लानिंग्स में लग गई, क्योंकि हमारा थीम था मेरा हिमाचल, तो ये हर जगह हो रहा है हिमाचल में, तो हमने सोचा क्यों ना हम सोलन की ही संस्कृति पे फोकस करें, जैसे सोलन की हिमाचल की नाटी, माता शूलनी और मोनेस्ट्री, सोलन का रेलवे स्टेशन, सोलन में किस टाइप की कृषि होती है, तो हमने सोचा हम उस पर फोकस करते हैं। इसलिए मेरा हिमाचल थीम हमने थोड़ा सा साइड रख के हमने सारा फोकस सोलन की ही कल्चर पे किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम इसे ख़त्म करें, फिर भी हम सोच रहे हैं शायद 10 दिन इसमें लग जाएंगे। और इसमें हम माता शूलनी का मंदिर, उनकी पालकी और हिमाचल की नाटी, और सोलन में जैसे कि टमाटर की खेती ज़्यादा होती है तो टमाटर, और सोलन का रेलवे स्टेशन जो टॉय ट्रेन है, हमारी खासियत है यहाँ की, और साथ ही दोलांजी मोनेस्ट्री हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम ठोडा डांस होता है उस पर भी हम फोकस करेंगे। नाम पूरन थापा है, हम सोलन के रहने वाले हैं। यहाँ पे चल रही है पेंटिंग के सारे वॉल्स, जहाँ पे हम इसको सोलन की थीम से पेंट कर रहे हैं। मेरे बारे में, मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है, मैंने सोलन डिग्री कॉलेज से पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया है और अभी यूनिवर्सिटी से एमए इन पेंटिंग में मैं डिप्लोमा भी किया है, डिग्री भी हुई है मेरी। और इसके रिगार्डिंग मेरे पास 5 नेशनल्स है और मैं अभी इस वक्त हम पेंटिंग के फील्ड में फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करते हैं। भी सोलन और हिमाचल को फोकस करते हुए मेनली सोलन डिस्ट्रिक्ट को, सोलन के कल्चर, हेरिटेज और कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जितने भी 50 साल में हमारे प्रोग्रेस हुए हैं उसको फोकस करते हुए बनाए हैं।